आरे रामा नई हर का पिरतिया हमके जाइन येरा बोलू और गोपी ये दोनों मीता रहले दोनों मीता मिलके आपस में बिजनेस करत रहले खब बढ़िया से फैक्ट्री चलत रहल भोलू के दुल्हन रेनू रहली आवनगे को मातारी रहली और भोलू के जेठ बहिन रहे लेकिन जेठ बहिन के काम रहल हमेशा जब वे आवे भोलू के पास तब वे जहां तक हो सके तहां तक खींच खांच के केवल भोलू के यहां से धन ले गई ले के चक्कर में ही रहे और भोलू हमेशा अपने काम में बिजी बने लेकिन जब भोलू के माई और भोलू का दुल्हन देखा तारी तो कहली बतावा इतना विश्वास कैके और आपस में धंधा कैले बड़ा लेकिन भोलू कहा था हमार मीता गोपी इतना पक्का मीता बड़ा कि तनिको भर उनके में कमी नहीं बा लेकिन महतारी और मेहरारू समझावा तारी महतारी कहती है बाबू केहू के ऊपर इतना जल्दी विश्वास नहीं कई लेवे के चाही लेकिन भोलू कहले नहीं माई अरे गोपी हमार बहुत बढ़िया पक्का दिली दोस्त बा और वही के चलते तो हमार धंधा चलत बा लेकिन ये समाज के देख के कहे के परत महाराज कि अगर दिल के अंदर बेईमानी बा तो दोस्ती नहीं चल सकाला अरे निबही मिताई अनिबही मिताई अनिबही मिताई मन बे मनवा कैसे निबही मिताई निबही मिताई हो निबही मिताई मन बे मनवा कैसे निबही मिताई बोली बोला सामने पीछे घात लगाई पीछे घात लगाई जब तनिको भर मौका पवल हो जब तनिको भर मौका पावे पीछे से दिहले बन बार चलाई मन बे मनवा कैसे निबही मिताई एक दिन गोपी के घरे पार्टी बा और पार्टी में भोलू के बोलावा बा तो भैल का महाराज आरे भोलू चली दिहले रमा आरे गोपी के महालिया हो गोपी के महालिया ए रामा गोपी के महालिया हो या हो रामा रामा हो आरे रामा मदिरा पी के गसाना मनावे लगो राम ए आधी रात भइले हो लोगवा गइले अपने घरवा हो गईले अपने घरवा ए रामा गईले अपने घरवा हो किया हो रामा रामा हो अरे रामा गोपी दिहले भोलू के भोराई नुए राम
आधी रात हो गई बा। सब लोग जश्न मना मना अपने अपने घरे जाता ना, लेकिन भोलू के गोपी बात बात में भुलवा रहे। तू हमार बहुत पक्का दोस्त हवा, नंबर एक का दोस्त हवा, तू कैसे अब जाबा। और अबहिन त हमन पचन संघरी बैठ के और कुछ खाइल पियल ना आई गई। संघरी बैठाई के गोपी और भोलू के, और धीरे धीरे लगने पियावे कैसे महाराज। गोपी भोलू के यही सन पियाई दिहल, गोपी भोलू के यही सन पियाई दिहल। होश चेत सब गायब भइले, मन मस्ती में आई। होश चेत सब गायब भइले, मन मस्ती में आई। कागज कलम ले आके भोलू के हाथे पकड़ाई, सगरो धंधा अपने नामे कराई लिहल। गोपी भोलू के साथ में बैठा के और धीरे धीरे ऐसन पिया धरे बण, होश चेत सब एकदम गायब हो गई बा। कागज कलम ले आके सामने धैले, और जितना धंधा रहल पार्टनरशिप के, और दस्तखत करा के सब अपने नामे गोपी करा ले बा। और करे बाद भोलू के गाड़ी में बैठा के ले आके भोलू के घरे छोड़ दे ले बा। लेकिन जब सवेरा भइल और भोलू अपने धंधा पर जाता ना, तो तुरंत गोपी भोलू के डांट के गेट से बाहर कह देता और कागज देखावता कि देख ले सारा धंधा हमारे नामे तू कई धले बड़ा, यह नाते से अब यहाँ तोहार कोनो जरूरत नहीं बा। इतना बतिया जब भोलू सुन ले बा, बहुत बड़ा झटका लागल। आट फेल भइल दे इतवा के करनी, रास्ते में ही भोलू का हार्ट फेल भइल और गिर गेल बाने। बाहर का लोग ले जाके अस्पताल में भर्ती कई ना, और घरे जब फोन आइल बा, महतारी और मेहरारू दोनों मिलके जहां तक पार लगल, घर के धन धर्म जितना रहल जेवर पताई सब बेच के और ले जाए के ऑपरेशन के तैयारी करो तारी। तमाम तरह से कर्ज हो गई बाड़ी, घर के पूजी दवा में लाग गई ले। घर के पूजी दवा में लाग गई ले, मिले नहीं रोटी, मिले नहीं रोटी, हाल जाए नहीं बरनी। हाट फेल भइल देखी नीते करनी, भोलू के हार्ट फेल भइले से घर के सारा धन खत्म हो गई बा। डॉक्टर बेड रेस्ट पर बोल दहले बा। भोलू अपने घरे बेड पर परल मन, उनके महतारी बेचारी कहीं अगर जात या केहू के घरे कुछ उधार याने, ओके केहू उधार नहीं देत बा। अब ऐसा हाल आ गई बा कि वह लोगन के भोजन तक नहीं मिलता। अरे ऐसा आरे गरीबी हो यील, अमील नहीं हो भो जानिया। रेनू कहलिए अम्मा जी जाई बनिया किया से कुछ सामान लाई, और धीरे धीरे मेहनत करके कैसे उनके चुका दे जाई। भोलू कमाई बनिया किया जाता री, लेकिन बनिया अपने घर से ताड़ी देत बा। बनिया भा गवाल ये राम, डांटी के हो जा बनिया।
रेनू तब कहलिए राम रेनू तब आरे कहलिए राम भाई के सासू के चरानिया सा चलैबे बाबूजी के तरीक सा चलैबे चाली है हो भो जानिया रेनु के दिमाग में आयल कहलिए अम्मा बनिया भी कुछ नहीं देता केहू के दरवाजे पर उधार नहीं मिलता रौरे अगर कहती त बाबूजी के जो रिक्शा धैल बा बाबूजी रिक्शा छोड़ के मर गई ने परमात्मा के प्यारा हो गई ने लेकिन उनके रिक्शा हम चला के और घर के भोजन पानी चलौती भोलू के माता जी लगली कहे हे दुल्हन समाज में बड़ी बदनामी होई तो के हम रिक्शा चलावे के आर्डर नहीं दे रेन्यू कहली हे अम्मा अरे भोजन नहीं मिली या समाज के इतना डर बा जौन समाज एक टाइम के रोटी नहीं देवे अलावा समाज के कौन डर लागल बा कौनो गलत काम करे के नहीं बा मेहनत करके और मेहनत का कमाई खाए के बा मजबूर होके वह रेनू के सास आज्ञा दे देले बाड़ी रेनू भोलू के बाबूजी के रिक्शा निकाल लेले बाड़ी और जब रिक्शा चलावे के शुरू कैली तब भइल का महाराज अरे रिक्शा पधाइली रेनु जब से चरनिया ताहिरे दिन से लोगवा बोल खूब चनिया ताहिरे दिन से हीरे दिन से लोकवा बोल खूब चनिया ताहिरे दिन से रिक्शा चलावे लगली टोला पड़ोसी के लोग देखता बहुत अट मरलिस नाक काट लेलिस मेहरारू होके रिक्शा चलावतिया सारे मेहरारू का नाक काट लेतिया लेकिन रेनू केहू के बाती के परवाह नहीं कैली रिक्शा लेके अपन शहर में गई बड़ी ओ गईली शहर में कवनो गहकी नहीं पावली अरे गहकी न पावली रेनू गहकी न पावली खाली हाथ लेके अपने घरवा में आईली अरे घरवा में आईली रेनू घरवा में आईली कैसे बचाई पियावा का जिंदा कनिया ताहिरे दिन से लोगवा बोल गुबा जनिया ताहिरे दिन से रेनू दिन भर रिक्शा लेके शहर में परेशान भईली लेकिन नया रहले के नाते से मेहरारू रहले के नाते से कोनो सवारी नहीं पौली एको पैसा का कमाई नहीं भइल और शाम के वापस जब घरे आई बड़ी चिंता में जीव परल बा खाए के भोजन नहीं मिलता जवान बिटिया ढो ढो यहाँ नैहरे से ले जात रहल लेकिन फोन कैले पर बिटिया फोन नहीं उठावतिया जब देख लेलिस कि रिक्शा चलावतारी आई के यहाँ नैहरे में और अपने भौजाई के ऊपर पूरा ताना कैसे कसतिया महाराज नकिया कटा ले हलिनी रिक्शा चला के
दुनिया में कवनो काम नहीं पवलिनी, काम नहीं पवलिनी, काम नहीं पवलिनी। लोग ताना मारेला, लोग ताना मारेला हमके बुलाई के, नकिया कटा ले हलिनी रिक्शा चला के। एक तो घटले में मातारी के भौजाई के एक टाइम करोटी नहीं धलस, और ना इतिया के झूठे में हल्ला मचोले बा कि हमार नाक कटा लेली ससुरारी में, हमार सासु हमके ताना मारे ले कि तोर भौजाई तरेक्सा चलावतिया। भोलू के माई अपने बिटिया के डांटा ताड़ी कि कौनो गलत काम हमार पतोह नाई कैले बा, अरे मेहनत का कमाई करतिया, मेहनत से कल के अपन पेट पाली, हमें कौन दिक्कत लागल बा। बिटिया उनके अपने घरे चल गई, लेकिन रेनू केहू के बाती के ध्यान ना दे ताड़ी, समझावत ताड़ी अपने सासू के, अम्मा दीदी के कुछ बोली न जौन इनके समझ में आवा था तवन कह ताड़ी, ने कहे दे अरे मन से सारा बात हटा के काम में ध्यान लगाई, काम में ध्यान लगाई। अरे धीरे धीरे बढ़ल कमाई, धीरे धीरे बढ़ल कमाई, ओ घरवा आइले में देर हो जाई, मन बे मनवा कैसे नी बही मिताई। रेनू का कमाई धीरे धीरे बढ़े लागल, यहाँ तक कि घरे अले में शाम का समय से नहीं पहुँच पवतारी, देर हो जात बा। एहर भोलू अपने बिस्तर पर परल बना और सारा दिन अपने मेहरारू के देखत नहीं बना, उन्हें बात ठीक नहीं लगता, आखिर दिनवा भरी कहाँ रहेली। और अपने माई से कहले का महाराज, अरे दिन भर ना देखी रे माई, अरे रेनू के सुरातिया हो, रेनू के सुरतिया हे रामा, रेनू के सुरतिया हो। हमसे दूरिया बनावे लिए रे, काम नहीं आवे रे माई हमारो सारी रिया हो, हमारो सारी रिया रे माई, हमारो सारी रिया हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा उनके सिर के बोझा हम दिखाई ले रहा। भोलू अपने माई से कहता ने, ए माई यह समय में दिनवा भर हम देखी लनाई रेनू कहाँ रहेली, हमके लगता हम एकदम बिस्तर पर पड़ल बानी, उठे लायक बानी नहीं, कोनो काम करे लायक बानी नहीं, यही नाते से रेनू हमसे दूरी बना लेले बारी। उनके माई समझावत अरे बाबू हो ऐसन बात नहीं बा, अरे दुल्हन बाजारे गए कोनो सर सामान आने खातिर, समझा बुझा के अपने लड़का के रखले बारी, ई बात लोग बतावत नाई बाड़ी कि पतोहिया रिक्शा चलावतिया। एक दिन संजोग से शाम का टाइम रहल, और वही समय पर धीरे धीरे हिम्मत कई के भोलू अपने बिस्तर से उठ के खड़ा हो गई बने,
और धीरे धीरे टहरत जब घर के बाहर आइल बड़े आ वही समय पर रेणु रिक्शा लेके घरे आके पहुंचत आड़ी। भोलू के नजर पड़ गईल, कहने कारे माई यह सामान आने खातिर बजारे जाली। अरे रिका सा चालावत जा बाप धनिया के देखल हो, रिक्शा चलावत जा बाप धनिया के दिखल हो, फटी गईल भोलू के करे जावा हो रामा। हम से छिपा के काहे कैलू ऐसन कामवा हो, हम से छिपा के काहे कैलू ऐसन कामवा हो, बोझा धैलू अपने कपड़ावा हो रामा। कपारवा हो रामा। महतारी उनका समझावे लगली, बबुआ हो कौनो गलत काम नहीं कैले बाड़ू, अरे पेट पर्दा नहीं चलत रहल, पसीना गार के और मेहनत करके घर का पेट पर्दा चलावा तड़ी, तोहर दवाई चलावा तड़ी। आए तने में रेणु बोलल बाड़ी महाराज, रिक्शा चला के घर के खर्चा चलवली हम, रिक्शा चला के घर के खर्चा चलवली हम, कैली नाही कोनो गलत काम हो बाला। गलती कमाए बाला भोलू के समझावा तड़ी, घर का स्थिति खराब रहल, कौनो गलत काम कैले नहीं बनी, रिक्शा चला के मेहनत कई के घर का खर्चा और तुहार दवाई चलावत हनी, अगर ऐसा न कैले होती तो तुहार दवा नहीं चल पावत, रोटी पानी नहीं चल पावत, मेहनत के कमाई से 10 रिक्शा खरीद लेले बाड़ी, अपने चलाईला और रिक्शा लोगन के किराया परे देले बाड़ी। भोलू इतना बात सुन ले बाड़े, उनके मन के शांति मिलल, दोनों लोग मिलके वो रिक्शा के कंपनी कायदे से चलावे लगल बाड़े। दोनों जनी रिक्शा के कंपनी चलावे, दुकानिया में आग लाग गईल, आग लाग गईल हो, आग लाग गईल, सब कुछ जर गईल, भोजन ना पावे, दोनों जनी रिक्शा के कंपनी चल, भोलू के कंपनी में जाई के पहुंचल, भोलू के कंपनी में जाई के पहुंचल, गिर के चरनिया में दुखड़ा सुना मैं, दोनों जनी रिक्शा के कंपनी चला, गोपी के दुकान में ऐसा आग लगल सारा धन जर गईल, यहाँ तक कि भोजन नहीं मिले वाला बा, गरीबी आ गईल, हार मान के भोलू के कंपनी में जाके पहुंचल बने और भोलू के गोड़े परे भार आ गईल,
कहना दोस्त हमके माफ कह दे। जैसा न कैली हो कारमा हमारे आगे आइल ना, हमारे आगे आइल ना, हमारे आगे आइल ना। अरे जैसन कैली हम करमा हमरे आगे आइल ना। ओ जैसन कैली हम करमा हमरे आगे आइल ना, तोहरे साथे धोखवा कमैली, तोहरे साथे धोखवा कमैली, सारा धन जरी गईल ना। ओ तुहारे संगवा में धोखवा कमैली, सारा धन जरी गईल ना। कैसे चलाई हम भोजनवा, कैसे चलाई हम भोजनवा, भोलूर का साथी हल ना। भोलू का गोड़ पकड़ के लगले गोपी रोवे, दोस्त हमारे गलती के माफी दे दे, तोरे साथ हम बहुत बड़ा धोखा कैली। भोलू और रेनु वो गलती के माफी दे दे बाण, अपने पास से रिक्शा देहले, कहले चले जा दोस्त एक चलावा, और यही के चलाई के मेहनत कई के, और मेहनत के कमाई से अपन पेट पालन करिया। भोलू का जौन बड़की बहिन रहल उहो आवतिया, देखते भर में उनकर माई कहली कारे आज कहाँ आ गई ले। अरे पारली बिपतिया ए बहिनी, अरे हमें नहीं चीनाली रे, हमें नहीं चिन्हली रे बहिनी, हमें नहीं चिन्हली गो, अरे रामा हमरो फनवा नहीं तू उठावे लिए ना। हे कावले वे आई लबाड़ी हमारे भामनवा हो, हमारे भवन मारे बहिनी, हमारे भवन मारो, किया हो रामा रामा हो। अरे रामा वो ही गोड़े वापस घूमी जा हुए ना, बतिया सुन के वो बिटी हुआ अपने माई से कहत ये महाराज। हे माफ कई देवी रे माई हमारो कासुरवा हो, ओ हमारो कासुरवा ये रामा हमारो कासुरवा हो, हो रामा रामा हो। अरे रामा धन के मद में गईली हम भुलाई ने ना,
हम के न चाही रे माई कौनो धनधार मामा हो। तुहारोई धन रे माई तुहारोई धनवा हो। किया हो रामा रामा हो। अरे रामा नहीं हर का पीरतिया हमके जाइन भोलू के जौन जेठ बहन रहल वायर बजब यहाँ मातारी फटकारे लगल कारे जौने समय में गरीबी रहल वो समय में हमार फोन नहीं उठावत हले फिर आज का फिर मोटरी बने आ गए बारे लेकिन कहत ये नाई माई हमके अब कोनो धन नहीं चाही धन में हम भुला गई लहनी हम नैहर के कदर नहीं समझत हली लेकिन आज हमके एहसास हो गई बा कि बिना नैहर के बिटिया के जीवन अधूरा लागला नैहर के ममता हमके चाही हमके कोनो धन नहीं चाही वैसी हम बान बान यहाँ से मोटरी ले जाता हली लेकिन हमरे वो मोटरी के ममता नहीं बा हमके केवल तोहरे प्रेम के ममता बा। इतना बतिया जब सुनले बाड़ी रेनू रेनू लगली अपने सासू के समझावे अम्मा दीदी के ऐसा न कही अरे जौन कैली तौन कैली आप न ऐसा कही। रेनू तुरंत जौन बड़ी बहन रहल ओकरे गोड़े परे बहरा गयी कहली दीदी अम्मा के बाती के तनिको भर तो दुख ने माना और हम जब तक जिंदा बानी तब तक तोहके तनिको भर हम नहीं भुलाइब और तोहके आँखी से दूर नहीं करब। लोग आपस में मिलजुल के चैन से करे खाए लागल बाने महाराज या नाते अंत में कहे के परता अरे बहू रहे तो रेनू जैसन सब कुछ ठीक हो जाई सब कुछ ठीक हो जाई। दास पति के साथे सुख दुख में जैसे भी हो दिनवा बिताई मनवे मनवा कैसे नी बही मिताई।